चलो पहले से तो बेहतर है। अभी और बेहतर होगा क्योंकि मोदी जी देंगे कृषि के उपकरणों और खाद पे सब्सिडी, साथ ही किसान सम्मान निधि में मिलने वाले 6,000 रुपए को बढ़ाकर 10,000 कर देंगे। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब जरा बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। किश्तवाड़ में सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। देखिए, किश्तवाड़ में इस वक्त आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। कल देर रात आतंकियों से मुठभेड़ हुई थी और इलाके में कई आतंकियों के छिपे होने की आशंका बताई जा रही है। ये जम्मू के किश्तवाड़ में है। किश्तवाड़ के छात्रों इलाके में इस तरह का ये मामला सामने आया है। इससे पहले 13 सितंबर को पहली बार वहां पर सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी और उसके बाद वही आतंकी, ये कहा जा रहा है कि वही ग्रुप है जो वहां पर सक्रिय है, लेकिन उन्हें फिलहाल सेना ने घेर लिया है, चारों तरफ से शिकंजा कस लिया है। और खबरें ऐसी भी हैं कि क्या हो सकता है कि एक आतंकवादी को मार गिराया। हालांकि अभी तक इसमें कोई पुष्टि नहीं हुई है सेना की तरफ से, सोर्सेज से ये खबरें निकल कर आ रही हैं। इसके लिए इंतजार करना होगा कि क्या एक आतंकी को मार गिराया या नहीं। जब ऑफिशियल पुष्टि होगी तो वो खबर भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबका यही है कि बहुत जल्द जल्द से जल्द इन आतंकियों को मार गिराया जाए। कल देर रात से ही आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई थी, क्योंकि जब से ये आतंकी उस इलाके में सक्रिय हैं तब से सेना और पुलिस जो है वहां पर मुस्तैद नजर आ रही है। उस पूरे इलाके को घेर रखा है, चप्पे चप्पे पर वहां पर निगरानी बनाए जाए रखी है ताकि वो आतंकवाद जैसे ही हलचल करता है तो उनको जल्द से जल्द मार गिराया जाए। तो मुठभेड़ और अब सर्च ऑपरेशन जारी है, क्योंकि वहां पर काफी घना इलाका है, घना जंगल है और घने जंगल के बीच टीलियां हैं, पहाड़ियां हैं, उनको वहां पर खंगालना, उन पर नजर बनाए रखना काफी ज्यादा मुश्किल है। एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण ये पल रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी सेना अपने शौर्य के साथ जो है वहां पर खड़ी हुई है और इन आतंकियों का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। मुठभेड़ से जुड़े बड़े अपडेट आपको बताएंगे। सितंबर में 9 आतंकी ढेर हुए हैं, 3 जवान भी शहीद हुए हैं सितंबर के महीने में जब से शुरुआत हुई है। इसमें 9 सितंबर को राजौरी में घुसपैठ के दौरान 2 आतंकी ढेर कर दिए गए थे। 9 सितंबर को राजौरी के अंदर ये मामला और 2 आतंकियों को इसमें ढेर कर दिया गया था। तो इसी तरह से उसके बाद 11 सितंबर को उधमपुर में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। जब उधमपुर में मुठभेड़ हुई उस समय भी 2 आतंकियों को मार गिराया। 13 सितंबर को कठुआ में 2 आतंकी मारे थे। ये सिलसिला 9 से शुरू हुआ, फिर 13 तक पहुंचा और उसके बाद 13 को ही, यानी 13 सितंबर को ही किश्तवाड़ में 2 जवान शहीद हुए। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, 13 को 2 जवान शहीद हुए, एक बहुत बड़ा नुकसान। 14 सितंबर को बारामूला में 3 आतंकियों को सेना ने मार गिराया, बारामूला कश्मीर के संभाग के एक जिले में। और उसके बाद लगातार किश्तवाड़ के अंदर जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। जिस इलाके में ये आतंकी छुपे हुए थे उस इलाके को खंगाला जा रहा था। सेना पूरी तरह से मुस्तैद थी और उसी के चलते अब फिर से कल से मुठभेड़ शुरू हो गई। अजय शाह एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, क्या अभी तक कोई ताजा अपडेट आ चुकी है वहां से? शीतल, देखिए वहां पर सर्च ऑपरेशन अभी जारी है, लेकिन जो अनऑफिशियल खबर है कि एक मिलिटेंट कल देर रात मारा गया था, लेकिन अभी भी उसकी डेड बॉडी रिकवर नहीं हुई है क्योंकि वहां पर घना जंगल है। खबरें ये है कि 3 के करीब आतंकवादी थे जो ट्रैप में थे और फायरिंग के बाद बाकी कहाँ है उनकी तलाश जारी है। चारों तरफ से एरिया को घेर लिया गया है और सुबह से ही हेलीकॉप्टर जो है उस पूरे एरिया में ऊपर से निगरानी रखे हुए हैं और एक्स्ट्रा फोर्सेस भी कहीं ना कहीं हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहां पर भेजी जा रही हैं। यही माना जा रहा है कि ये जो ग्रुप था वो 13 सितंबर को जिन्होंने उस कांड को अंजाम दिया था जिसमें 2 आर्मी के जवान शहीद हुए थे, ये वही ग्रुप है जो वहां पर घूम रहा था और गुरीनाल के ऊपर जो धुंधार है वहां पर ये ट्रैप में कल आए। तो एनकाउंटर में जैसे ही वहां पर हुआ, करीब आधे घंटे तेज फायरिंग हुई है और उसके बाद रुक रुक के फायरिंग अभी भी हो रही है, ठीक है। लेकिन कितने लोग मारे गए हैं ये स्पष्ट नहीं हो पाया क्योंकि जो सीनियर पुलिस ऑफिसर है उनका कहना है जब तक डेड बॉडीज रिकवर नहीं होंगी हम इस चीज को कंफर्म नहीं कर सकते। लेकिन सोर्सेज ये कंफर्म कर रहे हैं कि एक पाकिस्तानी आतंकवादी जो उस ग्रुप में था वो मारा गया है, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी भी नहीं आई है, इसकी तस्दीक नहीं की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं पहली बार हमने देखा है कि बड़े पैमाने पर, चाहे जमीन से हो या आसमान से हो, सेना की तरफ से एक दबाव बना के सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। जिस तरह कितने कुल आतंकी वहां पर छिपे हो सकते हैं, क्या अभी खबरें आ रही हैं?
देखिए, जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स थी हमारे पास कि 3 से 4 का ये ग्रुप है जो वहां पर सक्रिय है, और आसपास के इलाके में भी कुछ इस तरह के ग्रुप हैं। ये जो एरिया है ये अनंतनाग जिला के साथ इसकी सरहदें हैं, मुमकिन है कि ये अनंतनाग से इधर आया हो, या फिर डोडा भी आप वहां से जा सकते हैं। तो यानी कहीं ये जो आतंकवादी हैं घूम रहे हैं इस इलाके में, जंगल पहाड़ी इलाका है और घने जंगल है, जिसका लाभ ये श्रीनगर 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 हमारे जम्मू में इतने टूरिस्ट कब आएंगे? अब आएंगे क्योंकि मोदी जी यहाँ के ऐतिहासिक स्थानों को इंटरनेशनल पहचान दिलाएंगे। मेट्रो और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, जम्मू बनेगा स्पेशल टूरिस्ट हब। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।